अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अपना पहला रिव्यू व्लॉग अपनी बाइक का, जो कि मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँगा आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ यूजेज। यामाहा YBR 125G ग्लैडिएटर, इसका कोड नेम था यामाहा की तरफ से, खैर ग्लैडिएटर तो नहीं है, एक एंट्री लेवल बाइक था, पाकिस्तान में 2015 में लॉन्च हुआ। मेरे पास version 1 है जो कि 2018 का लास्ट बैच में से है। मैंने ये मॉडल ख़रीदा था अप्रैल 2018 में। ऑल इन ऑल इट लुक्स गुड स्टिल। और मैंने क्या इसमें जो विजुअल चेंजेस करवाई, कुछ बेसिकली मैंने जो इंस्टॉलेशंस करवाई हैं वो बताऊंगा। ओवरऑल लुक की बात की जाए तो बाइक जो है 124cc इंजन डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक क्रोम एग्जॉस्ट था इसमें, version 1 में आता था, ठीक है जी। और यहाँ पर क्रोम एग्जॉस्ट के अलावा किक स्टार्टर के साथ ये बाइक आती थी और स्विच स्टार्ट भी था। कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है, बाकी सारी चीज़ों का आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं जी बाइक के मेन यहाँ पे हैंडल बार की तरफ। यहाँ पर मिरर्स वही हैं, ये मिरर मैंने चेंज करवाया था, 70cc का लगवाया हुआ फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि इसके मिरर का यहाँ से लॉक ख़राब हो गया था। एनीवेज, यहाँ पर मैंने जो है लीवर प्रोटेक्टर्स इंस्टॉल करवाए हुए हैं। लीवर प्रोटेक्टर्स के बाद यहाँ पर मैंने फ्रंट पे ऑन बोथ साइड्स जो है हैंड गार्ड्स इंस्टॉल करवाए हुए हैं। विंडशील्ड है बेसिकली, काफ़ी अच्छी, 3 साल से मेरे साथ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो यहाँ पर मौजूद हैं ये, मैं अगर दिखाता चलूँ, HGG की 2 लाइट्स हैं। एक ये वाली ओरिजिनल नहीं है, ये HGG की ओरिजिनल नहीं है, ये वाली ओरिजिनल थी, वट एवर इट इज़। ये वाली मेरी 4 साल चली है, इसने मेरा साथ निभाया बहुत अच्छे से। अब ये आके डिम होगी, तो मैंने ये लास्ट ईयर नई ली थी, अभी तक ये भी अच्छी चल रही है, ठीक है, वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके अलावा फ्रंट एंड पे कोई भी मैंने चेंजेस नहीं करवाई। पैंथर ट्रैकर के टायर्स हैं, अब भी चेंज नहीं करवाए। जहाँ तक बाइक की मैं बात करूँ तो बैक साइड पर आता चलूँ तो यहाँ पर मैंने ये JDR का जो है बॉक्स के लिए प्लेट लगवाई हुई है। कैरियर स्टैंड चेंज है रियर पे। और बाइक के अगर यहाँ पे पेंट की बात की जाए तो मैंने इसके ऊपर PPF रैपिंग करवाई थी 2018 में ही, और उस वक्त से अब आके ये तकरीबन फारिग तो हो चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखने पर पेंट को इसने बचा के रखा है, काफ़ी जो है अच्छी इसे जो है प्रोटेक्शन फराहम की है, और अभी तक ये सलामत ही है, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ। यहाँ से मैं आपको दिखाता चलूँ एक लुक बाइक की। PPF रैपिंग के बीच में बाइक जब साफ़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा शाइन करती है। एनीवेज, अभी मैं बताऊँ इसके अलावा जो मैंने इंस्टॉलेशन की, यहाँ से मैंने 2 बटन इंस्टॉल करवाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एक ये वाला, ये मैंने डुअल इंडिकेटर के लिए, और ये मैंने करवाया था डिपर के लिए और फ्रंट लाइट के लिए। जैसा कि आप यहाँ देखें तो वो सामने जी फ्रंट लाइट, और ये जी डिपर के लिए। एनीवेज, ये 2 आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशंस हुई, इसके अलावा कोई आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन नहीं हुई। बाइक को मैं जो है इतना ज़्यादा नहीं चलाया इस वाले मॉडल को, दूसरी बाइक्स वगैरह भी हैं, लेकिन इस मॉडल को मैंने चलाया है अराउंड 1.3 किलोमीटर्स, और जितनी भी मुसाफत है की है उसमें इस बाइक ने मुझे ज़्यादा मसला नहीं किया। हाँ, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इस बाइक को मैंने जो इसका मैं बेसिकली मेंटेनेंस वगैरह करवाता हूँ करंटली मेरा 2 साल से, मैंने इसको मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ी। बाइक में मैं ऑयल जो यूज़ करता हूँ वो यूरोल का यूज़ करता हूँ। यूरोल ऑयल का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा, वो ऑयल यूज़ करता हूँ 1 लीटर, जैसा कि आपको पता है इसमें इंजन ऑयल पड़ता है, ठीक है। और 1 लीटर ऑयल के अलावा इसमें मैं जो है जेन्युइन इसका प्लग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई आफ्टर मार्केट प्लग नहीं है, ठीक है। और बाइक का मैं जो मेंटेनेंस ऑयल चेंज करवाता हूँ वो हर 1000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज करवाता हूँ। हर 500 के रनअप के बाद मैं जो है एयर फिल्टर जो है इसका क्लीन करवाता हूँ। फोम वाला एयर फिल्टर है, रिकमेंडेड है इस मॉडल के लिए। बाइक जो है सर्दियों में मिसिंग नहीं करता, ठीक है जी।
उसके अलावा इस बाइक को लाहौर शरीफ ऑटोज़ यामा सेंटर जो है मैक्लोड रोड पुलिस लेन के बिल मुकाबिल वहाँ से मैं मेंटेनेंस करवाता हूँ इसकी। अभी ये बाइक जो है मुझसे कह रही है कि इसको लेके जाना है लाहौर, मेंटेनेंस करवानी है, इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे। और मुझे 2 साल हो चुके हैं इसकी मेंटेनेंस करवाए हुए, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं निकालती बाइक अगर आप इसको बिल्कुल संभाल के रखें, प्लग की जो है एडजस्टमेंट करवा के रखें, फ्यूल एवरेज जो है इसकी वगैरह सब कुछ ठीक ही रहती है, एयर फिल्टर को वक्त पर साफ़ करवाएँ ठीक है, ऑयल वक्त पर चेंज करें, तो ये बाइक जो है काफ़ी अच्छा टाइम निकाल जाती है। ऑल इन ऑल मैं आपको एक दफ़ा इसका जो है साउंड सुनवा ही देता हूँ, वैसे कोई साउंड सुनवाने वाली बात तो नहीं है इसमें, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स कोर स्टार्ट है, बंद तो हो जाएगी, देखा बंद हो गई। एनीवेज दैट्स माय रिव्यू, ठीक है जी, इस बाइक के हवाले से। एडजस्टेबल शॉक्स के साथ आती थी और मैंने जो है शॉक्स काफ़ी अच्छे स्मूथली एडजस्ट किए हुए हैं और सीट भी जेन्युइन है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ना जानते हो। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने बैक साइड पे भी एक नीचे ये वीगो का मैंने जो है ना मड गार्ड लगवाया था, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद सूदमंद साबित हुआ है, ठीक है, स्टिल चल रहा है, 5 साल ही हो गए हैं और रेस्ट ऑल इज़ लाइक स्टॉक, ठीक है जी। फर्दर इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे बाइक के साथ और अपने ही बाइक के साथ मैं आऊँगा, रिव्यू सीरीज भी शुरू करूँगा। इस बाइक में कुछ बताने वाला नहीं था, ये मेरा अपना यूजेज एक्सपीरियंस था, बाइक ने मुझे कभी तंग नहीं किया, बेहतर है। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी ये अंडर पावर है, ये है वो, यार एंट्री लेवल बाइक है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा अंडर पावर है, जो भी है वेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंजन डिस्प्लेसमेंट तो लोगों को फील होता है, लोगों का अपना वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, मुझे कभी फील नहीं हुआ इस चीज़ का। हाँ आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते 13 हॉर्स पावर की वीगो के साथ या फिर सुजुकी जी एस के साथ, 125 cc है, इसको 125 cc के साथ कंपेयर करें। अच्छी मेंटेनेंस करवाई हो, अच्छी सर्विसिंग करवाई हो, एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ बिल्कुल ठीक हो, प्लग वगैरह आपका, तो ये बाइक जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। आउटपुट टॉप स्पीड की बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरी ऊपर यहाँ टॉप लिंक में नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे आप हमारी जो है ड्रैग रेसेस देख सकते हैं, काफ़ी सेफ मकाम पर की थी। सो गाइज इसी साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, फिर मिलेंगे चलते चलते।